दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक। वीकेंड पर दिल्ली में पूरी तरह से बंद रहेंगे मॉल, स्पा और जिम। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। यूपी के 10 शहरों में बढ़ी नाइट कर्फ्यू की मियाद। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीआईपी इलाकों में भी कोरोना ने सेंध लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक पॉजिटिव। देश में कोरोना के आगे सरकार और सिस्टम का टूटा दम। 24 घंटे में नए केस 2 लाख के पार। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली में नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज। 112 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस की संख्या 54,309। महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी। नए संक्रमितों की संख्या 61,695। 24 घंटे में 349 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मांगी मदद। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई आशंका। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 22,439 नए केस। सीएसआईआर डीजी शेखर मांडे का दावा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। सप्लाई बहाल रखने के लिए पूरे इंतजाम। बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना से हाहाकार। मुर्शिदाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार की मौत। चुनाव आयोग को बुलानी पड़ी बैठक। हिंदुस्तान को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान। 30 अप्रैल को अपने समय पर समाप्त होगा आयोजन। कोरोना के कई केस आए। वैष्णो देवी में भी भक्तों की भीड़ के बीच कोरोना का खतरा। 11,000 से ज्यादा की जांच में 90 से ज्यादा यात्री निकले पॉजिटिव। कोरोना को लेकर रेलवे का फैसला। प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। झारखंड में अब मनमानी नहीं कर पाएंगे निजी एम्बुलेंस संचालक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया रेट चार्ट। ग्वालियर के संध्या कन्या विद्यालय में फैला कोरोना। 18 छात्राएं संक्रमित। हॉस्टल खाली कराने के आदेश। तमिलनाडु में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में करीब 8,000 बीमार। चेन्नई में 2,500 संक्रमित। संक्रमण की रफ्तार से बिहार में भी दहशत। राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नीतीश ने कहा संक्रमण रोकने के इंतजामों पर चर्चा होगी। दिल्ली पुलिस पर भी कोरोना का हमला। 388 एक्टिव केस। नोएडा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी। रांची में कोरोना का खौफ। घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं लोग। अस्पतालों में हो सकती है किल्लत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उपचुनाव में सीएम की रैली। कोरोना काल में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। धनबाद के आईआईटी आईएमएस में फूटा कोरोना बम। एक प्रोफेसर सहित 8 कोरोना संक्रमित। पूरा कैंपस सील। लखनऊ में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में हेराफेरी का खुलासा। कागजों में कम करके दिखाई जा रही है मरने वालों की संख्या। कानपुर में आधी रात को पीपीई किट पहनकर अस्पताल पहुंचे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में कोरोना के शिकार होने हैं फ्रंटलाइन वर्कर। 219 स्वास्थ्य कर्मी आइसोलेट। मरीजों के इलाज में हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बंद। संक्रमण से बचने के लिए नियमों के पालन की हिदायत। लखनऊ में आसिफी मस्जिद में नहीं होगी जुम्मे की नमाज। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने किया ऐलान। दिल्ली की सड़कों पर यमराज के पीछे चलते दिखे पुलिसकर्मी। लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। ग्रेटर नोएडा में 52 साल की महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। गुरुवार को कोरोना जांच में आई थी पॉजिटिव। बढ़ते संक्रमण की वजह से ओवरलोड हुआ गाजियाबाद का एकमात्र विद्युत शवदाह गृह। कोरोना पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार। इंदौर में नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 400 इंजेक्शन बरामद। उत्तराखंड के जोगीमढ़ी में हंस फाउंडेशन का चिकित्सा शिविर। ग्रामीणों को लगाई गई टीके की पहली डोज। वैक्सीन लगवाने वालों में 65% महिलाएं।
तेलंगाना में 10वीं की परीक्षा रद्द, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर होगा नतीजों का ऐलान। पैरामिलिट्री फोर्सेज में संक्रमण की रफ्तार तेज, बीएसएफ में 117 नए केस, अर्धसैनिक बलों में 301 नए मरीज। ओडिशा सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सभी 30 जिलों में सख्ती होगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 अप्रैल से होने वाली एनईईटी पीजी परीक्षा टली, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके जानकारी दी। नालंदा में ब्रह्मकुंड और नेचर सफारी पर्यटकों के लिए बंद, कोरोना संक्रमण की वजह से सड़कों पर छाया है सन्नाटा। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 74 मरीजों ने गंवाई जान, 5,813 नए मामले। केरल में भी बेकाबू संक्रमण, 8,126 नए मरीज, 20 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 14,738 नए मरीज, बेंगलुरु में 10,000 से ज्यादा बीमार। यूपी में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित, 15 मई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षिक संस्थान। रुड़की के आईआईटी क्वारंटीन सेंटर में छात्र की मौत से हड़कंप, अभी तक मौत की वजह का पता नहीं लगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने में जुटी सरकार, अस्पतालों से जोड़े जा रहे हैं होटल। पश्चिम बंगाल में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 6,769 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। बिहार में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6,133 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 29,000 के पार। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अजीबोगरीब मामला, जिंदा मिला, दो बार मृत घोषित किया गया संदिग्ध कोरोना मरीज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हादसा, दुर्घटना का शिकार हुआ पैराग्लाइडर, बाल बाल बची जान। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने की अटकलों से चुनाव आयोग का इनकार, कल सर्वदलीय बैठक में हालात पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक से पहले ममता बनर्जी की अपील, बाकी बचे चुनाव एक साथ करवाए चुनाव आयोग। व्हील चेयर पर बैठी ममता के खिलाफ दिलीप घोष के बयान पर भड़के डेरेक ओब्रायन, चुनाव आयोग से शिकायत की। दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का एक्शन, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी, नियमों के उल्लंघन का मामला। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में कल आ सकता है बड़ा फैसला, सीबीआई कोर्ट में पेश हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुनवाई हुई। पुणे के बारामती में सड़क हादसे में दो युवतियों की मौत, प्रेमी पर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जोधपुर की फलौदी जेल तोड़कर भागा कैदी शौकत गिरफ्तार, जैसलमेर से पुलिस ने पकड़ा, 13 बंदियों की तलाश जारी। कैथल में किसान से 6 लाख रुपए लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, किसान ने बैंक से लिया था कर्ज। रीवा में सेंट्रल जेल के एक सिपाही ने की आत्महत्या, अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदा। समुद्री रास्ते से भारत लाई जा रही 150 करोड़ की हेरोइन जब्त, 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार। यमुनानगर में स्मैक के लिए मां ने 13 साल की बच्ची को बेचा, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली दंगों के मामले में पकड़े गए उमर खालिद की जमानत अर्जी मंजूर, कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर छोड़ा। मुजफ्फरनगर में एम्बुलेंस ने महिला कुमारी टक्कर, सड़क पार करते समय हादसा। ग्वालियर में आंगनवाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन के दौरान शराबियों ने किया हंगामा, टेबल कुर्सी तोड़ते हुए वीडियो वायरल। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 5 किलो आईईडी डिफ्यूज। कृष्णागिरी में पिता ने गर्भवती बेटी को मारी गोली, माता पिता के झगड़े के बीच में बीच बचाव के दौरान मौत। फरीदाबाद में मिला दिल्ली से गायब हुआ 7 साल का बच्चा, पुलिस और एनजीओ ने मिलकर ढूंढा। बुलढाणा तहसील कार्यालय के एक कर्मचारी ने की आत्महत्या, शौचालय में मिला शव। मुंबई में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 3 जगह छापा, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 2 गिरफ्तार। दतिया में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा घायल, कुंभ से इंदौर लौटते समय हादसा। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। पंजाब के फरीदकोट में हेरोइन के साथ जेल का वार्डन गिरफ्तार, 50 ग्राम हेरोइन बरामद, हेरोइन की कीमत 50 लाख।
धौलपुर में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में दिन दहाड़े लूट, युवती को लाठी डंडों से पीटा, पूरा गला ले गए बदमाश। मैनपुरी में बीडीसी प्रत्याशी की धारदार हथियार से हत्या, खेतों में मिला शव। साल भर बाद दिल्ली के विवादित मरकज को खोलने की इजाजत, हाईकोर्ट ने दी 5 बार नमाज की मंजूरी, सिर्फ 50 लोग पढ़ सकेंगे नमाज। जलियांवाला बाग को खोलने का मुद्दा एक बार फिर गरमाया, शहीद के परिजनों ने पीएम और गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी। देहरादून के नथुआवाला इलाके से वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, 15 दिनों से खौफ में थे ग्रामीण। बंगाल के किसानों से राकेश टिकैत की अपील, कहा ममता बनर्जी को जिताएं, कृषि कानून पर बरकरार रही है केंद्र सरकार। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर किसानों के कई टेंट जलकर खाक, किसानों ने लगाया आगजनी का आरोप। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पंद्रह दिनों के बाद गुरुवार को पहली बार घटे पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे डीजल 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। मार्च में थोक महंगाई दर में 8 साल की सबसे तेज बढ़ोतरी, फरवरी के 4.17% के मुकाबले मार्च में 7.39% हुई महंगाई दर। प्रतिबंधों से रोजगार हटने की बड़ी आशंका, लॉकडाउन और कर्फ्यू न लगने पर 7% तक बढ़ सकती थी हायरिंग। 2 हफ्ते में एशिया में सबसे बेहतर करेंसी से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बना रुपया, कोरोना की दूसरी लहर के आगे पस्त हुआ। महाराष्ट्र में 15 दिनों के सख्त प्रतिबंधों के असर से कारोबार जगत को होगा बड़ा नुकसान, अगले 15 दिनों तक आधी फैक्ट्रियां बंद रहने के आसार। 2020-21 में मारुति सुजुकी की सीएनजी कारों की बिक्री का बना रिकॉर्ड, 1.57 लाख से ज्यादा सीएनजी कारों की बिक्री हुई। व्हाट्सएप के नए फीचर से ग्रुप में भी खुद डिलीट होंगे पुराने मैसेज, कंपनी अपना डिसअपियरिंग मैसेजेस का फीचर ग्रुप के सभी सदस्यों तक बढ़ाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अमेजॉन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे के खिलाफ है ई कॉमर्स कंपनी। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन की वैक्सीन पर यूरोप में लग सकता है प्रतिबंध, क्लॉट की शिकायत के चलते डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका पर रोक लगाई। चीन ने 34 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर शिकंजा कसा, अलीबाबा पर जुर्माने के साथ टेक कंपनियों के बेलगाम विस्तार पर रोक की तैयारी।